जहां भी केस चलाएं, लेकिन आर्मी को इससे बाहर रखें, मिलिट्री को बदनामी होगी इस काम से। आप भुट्टो से सबक सीख लिया कि भुट्टो को आपने फांसी दी, भुट्टो की पार्टी जिंदा है, इतना पुलों से नीचे से पानी बह चुका है लेकिन भुट्टो जिंदा है, और जिसका फायदा उठाने के लिए वही जरदारी बैठा है। और भुट्टो के अपने बच्चे जो हैं वो तो मंदिरों में चक्कर लगा रहे हैं या मलंग बन गए हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के। तो कहने का मकसद ये है कि इसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी पे हाकिम अली जरदारी की औलाद रूल कर रही है। अब साइफर केस चलेगा, साइफर केस इस खुद इस बेवकूफ बुढ़े ने खुद किया था, किसी ने कहा था नहीं था, कागज लहरा रहा था, भुट्टो बन रहा था। भुट्टो तो अपनी सब चीजों से मुकर गया था बाद में, जब पीएनए की तहरीक चली थी उसने कहा नहीं पोलैंड की करारदाद नहीं पढ़ी थी मैंने, मैंने नोट्स पढ़े थे। ये तो सियासतदानों का काम है। अब ये साफर जैसे केस में पोलैंड की करारदाद भी भुट्टो फाड़ नहीं सका था, बाद में जब पीएनए की तहरीक चली तो उसने एतराफ़ किया कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैंने तो अपने लिखे हुए नोट्स आपको खुद पढ़े थे, फिर क्या करता उन नोट्स को। तो यही था इसने साइफर केस का जो ड्रामा किया। तो ये तो हर हद से गुजर जाने वाला आदमी है। अब आप देख रहे हैं कि मेरा तो मशवरा यही है कि साइफर केस को बजाय आर्मी के चलाने के, आर्मी अपने आप को इससे दूर रखे। जनरल आसिम मुनीर साहब अकलमंद आदमी हैं, मुझे एहसास है कि जनरल बाजवा जिस तरह उनको आगे समुंदर पीछे खाई वाले मसले में छोड़ कर गए हैं, लेकिन ये अकलमंद आदमी भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, अब तक इन्होंने साबित किया है कि डिटरमिन का हैं। तो मुल्क को आवाम को इनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान खुद ही अपने आमाल से गिर जाएगा। एक ऐसा आदमी, नालायक आदमी, जो कहता है कि मैं वजीर आजम बना तो मेरी बीवी ने बताया, और इसकी पार्टी के लोग सुनकर खुश हो रहे हैं। फिर से पूछा जाता है कि रुपया गिर गया, डॉलर चढ़ गया, तो बताइए तो टीवी ने बताया, हालांकि वजीर आजम के अप्रूवल के बगैर इतना बड़ा उस जमाने का स्टेट बैंक कैसे फैसला कर सकता था, जब इसने अभी तक उसको आईएमएफ की जेर निगरानी ने दिया था। कहने का मकसद है तो ये तो झूठ इतना बोलता है कि इसको याद भी नहीं रहता कि मैं सच्ची बात क्या है झूठी बात क्या है। हाँ, इसके अंदर एक खूबी है, मुकदमेबाज है, अपना मुकदमा कभी कोर्ट में अदालत में लगने नहीं देता। कुछ इसको पुश्त बनाई भी रही और कुछ इसकी अपनी जाती काबिलियत है। बाकी ये कहना कि जादू टोना पीनी वगैरह, मैं तो बिलीव नहीं करता कि ये इस पर बिलीव करता है। ये शो करता है कि इतना ये इनोसेंट मासूम भूला भोला वाला है कि बाल्टी सर पे रख के और किरण रोशनी से बचने के लिए सब कुछ कर रहा है। ये सब बहुत बड़े बड़े जो मुकदमेबाज होते हैं, जो बचना चाहते हैं, वो ही ऐसा करते हैं। और चूंकि इसके पार्टी में जो नौजवान हैं उन्होंने जिंदगी के अभी इतने तलख और सर्दो गरम नहीं देखा, लिहाजा इसकी बातों पे एज ए सेलिब्रिटी फिदा होते हैं। लेकिन सब बातों में एक ही बात है, किसी आदमी को झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि उसके सामने उसी की बातें रख दी जाए। और आजकल का तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तमाम क्लिप्स मौजूद हैं, ये अपनी ही बातों की तरदीद करता है। लिहाजा मेरा तो मशवरा ये है, बाकी फौज
और फौज आसिम मुनीर साहब के जो एडवाइज़र हैं वही बेहतर मशवरा दे सकेंगे कि मिलिट्री कोर्स में केस जो है सिविल केस में चलाया जाए, एक सिविलियन वज़ीर आज़म का सिविल केस चलना मुल्क व मिल्लत के लिए बेहतर रहेगा, फौज के लिए बेहतर रहेगा। वरना 1.5 साल से दुनिया देख रही है कि अभी तक इमरान खान का तोड़ निकाला नहीं जा सका है उसकी तमाम नेगेटिव चीज़ों का। तो जब सूरत हाल ये है तो मिलिट्री कोर्ट में केस चलाकर और कैसे हल किया जाएगा? और मिलिट्री कोर्ट्स जो होती हैं उनमें तो दो दो चार वाली बात होती है, ज़्यादातर उसमें कमांड होता है, ज़्यादातर उसमें सिविल वकला को की तरह आर्गुमेंट भी नहीं होते। तो ये आज का ब्लॉग मैंने कहा कि मुल्की हालात में कहूँ कि आज हमारे पास जो हालात हैं ये 16 दिसंबर 1971 की तरह हैं। मुल्क की हालत जिस तरह है, इस शख्स ने जिस तरह तबाह की है, उसको निकालने के लिए बड़ी तदब्बर की ज़रूरत है, तहम्मुल की ज़रूरत है। और तदब्बर और तहम्मुल के आगे इस शख्स का मनफी रवैया एक दिन शिकस्त खा जाएगा। शुक्रिया।